कर रहा हूं उसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है शायद ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है एक बैंक में और उसके मुकाबले में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। तो अभी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो सारे होम लोन MCLR से रिलेटेड हैं, MCLR से लिंक हैं, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। MCLR क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, RBI ये मैकेनिज्म क्यों लेके आई, इसके लिए आप मेरा वीडियो दे सकते हैं। उस वीडियो का लिंक MCLR से रिलेटेड जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो बैंक होम लोन देते हैं वो MCLR प्लस अपना एक प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करते हैं। तो बैंकों का फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करने का होता है कि MCLR प्लस देयर स्प्रेड और मार्जिन इज इक्वल टू योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। परंतु जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनका फॉर्मूला है प्राइम लेंडिंग रेट से रिलेटेड, प्राइम लेंडिंग रेट या उसे BPLR भी बोल देते हैं, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो PLR माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट को थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं वीडियो में, कंसंट्रेशन मेरे ऊपर है तो आप समझ पाएंगे आसानी से। सरल भाषा में समझाने के लिए मैं MCLR को बोल देता हूं कॉस्ट प्राइस या लागत या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। मान लीजिए मैं एक टीवी मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने एक टीवी बनाया है और मेरी टीवी बनाने की लागत आई है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में मैंने एक फर्स्ट क्लास LED टीवी बना लिया है, ये मेरी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मेरी टीवी की। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टीवी की जो मैं 5,000 कह रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए बैंक का MCLR। MCLR अर्थात कि बैंक जो पैसा आपको देने वाला है उसकी बैंक की कॉस्ट क्या है। बैंक ने आपको ब्याज दिया, अपने इम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, ऑफिस खोले, बिजली चलाई, AC चलाया, सब कुछ हुआ, मार्केटिंग करी, ये विज्ञापन दिए, तो बैंक का कॉस्ट है वो। अब RBI कहता है बैंक को कि आपको ट्रांसपेरेंटली काम करना पड़ेगा, आप डिक्लेयर करोगे कि आपका कॉस्ट ऑफ फंड क्या है और आप ये भी डिक्लेयर करोगे कि इस कॉस्ट पे आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो। तो अगर किसी बैंक का MCLR है 8% और वो लिख के देगा सेंक्शन लेटर पे कि मेरा MCLR 8% है और इस 8% पे मैं 0.5% प्लस कर रहा हूँ, तो 8.5% पर मैं आपको होम लोन दे रहा हूँ। तो आपको कॉस्ट क्या है उस बैंक की ये भी पता चला और उस बैंक ने आपसे प्रॉफिट कितना लिया ये भी पता चला, तो दोनों चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। अब जो प्रॉफिट लिया वो फिक्स रहेगा लोन टेन्योर के लिए, एंटायर लोन टेन्योर के लिए, जब तक कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस ना हो। तो अगर MCLR 8% से बढ़ेगा बैंक का फ्यूचर में और आपने फ्लोटिंग रेट पे लिया है, तो अगर MCLR 8 से बढ़ के हो गया 8.5 और प्रॉफिट मार्जिन था 0.5, तो आपका रेट 9% हो जाएगा। और अगर MCLR घट के 7.5 हो गया, 0.5 मार्जिन फिक्स रहेगा, तो आपका रेट 8% हो जाएगा। तो बैंक इस मैकेनिज्म पे चलते हैं कि कॉस्ट भी बताओ, प्रॉफिट भी बताओ, और ताकि कस्टमर को पता रहे कि उसके लोन के साथ हो क्या रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उस मैन्युफैक्चरर की तरह हैं जहाँ पर RBI की तरफ से ये प्रेशर नहीं है कि मेरा टीवी जो मैं बना रहा हूँ 5,000 रुपये में LED का, मैं अपनी कॉस्ट बताऊँ। अगर आप टीवी खरीदने किसी शोरूम में जाओगे डीलर के, तो चाहे वो किसी भी कंपनी का टीवी हो, वहाँ पे ये थोड़ी लिखा हुआ टीवी पे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आई थी और हम आपसे 3,000 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं, ये MRP है, ऐसा तो नहीं लिखा होता ना। क्या लिखा होता है? MRP लिखा होता है। वहाँ लिखा रहेगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस 15,000 रुपये या 20,000 रुपये, जो भी प्राइस है।
तो जिस तरह वो मैन्युफैक्चरर हमें ये नहीं बताते कि मेरी कॉस्ट क्या है, मैं क्यों बताऊं, मैं अपना एमआरपी बताऊंगा, अपना एमआरपी बताऊंगा, और अगर उस एमआरपी पे आप खरीदने पे सहमत नहीं है तो हम डीलर से क्या बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट दो। तो वो कंपनी या डीलर हमें डिस्काउंट देते हैं कि सर मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो 15,000 रुपये है, परंतु मैं इस पर आपको चलो 5,000 रुपये डिस्काउंट कर दे रहा हूँ, आप 10,000 रुपये में ले जाइए। तो प्राइम लेंडिंग रेट को आप समझ लिए एमआरपी है। एमसीएलआर क्या था? कॉस्ट प्राइस था, लागत थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। पीएलआर एमआरपी है, एमआरपी में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है। एमआरपी का मतलब यही हुआ ना, जो उसकी लागत थी वो भी शामिल है हर प्रकार की, और उसमें प्रॉफिट भी शामिल है। इसी प्रकार पीएलआर में जो भी उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड्स थी वो भी शामिल है, प्लस उन्हें जो मार्जिन लेना है, प्रॉफिट लेना है, स्प्रेड लेना है, वो भी शामिल है। अब अगर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पीएलआर है 16%, आप देखोगे ना गूगल सर्च करके सबके इसके आसपास ही मिलेंगे लेकिन 16% पे क्या आप और मैं होम लोन लेंगे उनसे? नहीं लेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे ठीक है, हमारा ये एमआरपी है, दिस इज़ द मैक्सिमम, हम इसमें से डिस्काउंट कर देते हैं 8%, तो पीएलआर 16% माइनस डिस्काउंट 8%, आपका जो होम लोन रेट हो गया 8%। जिस तरह वहाँ मार्जिन या प्रॉफिट फिक्स हो जाता है फॉर एंटायर लोन टेन्योर, यहाँ पे ये डिस्काउंट फ्रीज हो जाता है। तो अब अगर पीएलआर बढ़ के 16-17% हो गया और डिस्काउंट 8% ही रहने वाला है, तो आपका रेट भी 17-8 (17-8) 9% हो जाएगा, और अगर पीएलआर घटेगा तो ही आपका रेट घटेगा। तो कंसेप्चुअली आप समझ गए होंगे कि एमसीएलआर क्या है और बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, और पीएलआर क्या है और उसमें डिस्काउंट दे के हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करती है जिस पे आपको और मुझे होम लोन मिलता है। अब ये डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूँ? ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इस कैलकुलेशन मेथडोलॉजी से आप पे या एक आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। इसका असर ये पड़ता है कि एमसीएलआर कोई भी बैंक अपने मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सकता। एमसीएलआर बढ़ाने के लिए जो कैलकुलेशन मेथडोलॉजी है, जो आरबीआई से अप्रूव्ड है, वो आरबीआई की अप्रूवल लेके ही एमसीएलआर बढ़ा सकता है। उसके टाइमली ऑडिट्स होते हैं तो एमसीएलआर डिक्लेयर करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, परंतु जो पीएलआर है, प्राइम लेंडिंग रेट है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एमआरपी है एक किस्म का, वो अपनी मर्जी से उसे बढ़ा सकते हैं। पीएलआर इज आउट ऑफ द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ आरबीआई। तो अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एमडी है, वो सुबह उठेगा, अपनी वाइफ के साथ चाय पिएगा और बोलेगा आई एम फीलिंग लाइक इंक्रीजिंग पीएलआर, तो ही में इंक्रीज पीएलआर। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, लेकिन कहने का भाव ये है कि उसके ऊपर रेगुलेटर का कंट्रोल नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पीएलआर बढ़ाती तो बहुत बार है, कम कभी कभी करती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करोगे तो पीएलआर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, कम, बहुत कम बार होता है। तो लेकिन जो भी नया कस्टमर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास आ रहा होता है, उसको इससे खास डिसएडवांटेज नहीं होता। क्यों नहीं होता खास डिसएडवांटेज? मान लीजिए पीएलआर बढ़ बढ़ के 20% पे भी पहुंच गया और होम लोन बैंक 8% पे दे रहे हैं, तो भी 20% पे आप और मैं तो लोन लेंगे नहीं अगर बैंक 8% पे दे रहे हैं। कॉम्पिटिशन तो फिर भी है ना, मोनोपोली तो नहीं है ना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, तो वो जो डिस्काउंट था उसे बढ़ा देंगे। 20% - 12% = 8%। तो जो नेट रिजल्ट निकलेगा दोनों ही कैलकुलेशन का, वो न्यू कस्टमर के लिए तो लगभग सेम होगा। 8% पे अगर उसे बैंक से लोन मिल रहा है तो 8% पे ही शायद उसको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से मिल जाएगा, या हो सकता है 0.10, 0.15, थोड़ा सा हायर मिल जाए। परंतु जब वो लोन ले चुका होगा और वो लोन अगर उसे लंबे समय तक चलाना है, और अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हर 2 साल में, हर 1 साल में या हर 3 साल में अपने पीएलआर में धीरे धीरे वृद्धि करेगी, तो क्योंकि उसका डिस्काउंट वहाँ 12% पे या जो भी उसने सेंक्शन के समय लिया था वो फ्रीज हो गया है, तो धीरे धीरे उसका रेट बढ़ता चला जाएगा।
परंतु अगर उसने बैंक से लोन लिया होता तो क्योंकि बैंक में जो लोन बढ़ना या लोन घटना है, सॉरी रेट जो बढ़ना है या जो रेट घटना है वो MCLR से लिंक है और MCLR RBI के कंट्रोल में है, RBI से मॉनिटर्ड है, गवर्नड है, उसका कैलकुलेशन मेथडोलॉजी है, वहाँ मनमानी नहीं चल सकती बैंक की, तो वहाँ सेफ्टी ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। और अगर RBI की रेट्स कम करता है तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट MCLR पे आएगा, और MCLR अगर कम होता है तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपके रेट पे आएगा। तो बैंक में रेट घटने के भी चांस हैं अच्छे खासे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में रेट घटने के चांस फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कम है, रेट बढ़ने के चांस ज़्यादा है। तो हो सकता है इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए हों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह कैसे डिटरमाइन होता है और उस मेथडोलॉजी का लॉन्ग टर्म में हमारे पे क्या असर पड़ता है, भले ही प्रेजेंट में ना पड़ता हो।